हाँ बहुत अच्छा लगा यहाँ पे कि जैसे कि मैंने बताया आपको कि 12 किलोमीटर का ये टोटल, ये 12 किलोमीटर का ये सर्कल है जिसमें हमें बहुत सारी एक्टिविटी मिलेंगी। अगर घोड़ा घोड़े की राइडिंग करनी है वो मिल जाएगी, हॉर्स राइडिंग। गाइस, श्रीनगर की हमारी सीरीज चल रही है, तो आज हम पहुंचे हैं पत्नी टॉप हिल स्टेशन। इस वीडियो में हम पत्नी टॉप को एक्सप्लोर करेंगे। अभी हम जा रहे हैं चिल्ड्रन पार्क। छोटी सी मार्केट भी है यहाँ पे। बहुत ही सुंदर प्लेस है ये। तो अगर आपका कभी कश्मीर आना हुआ तो आप ज़रूर पत्नी टॉप आ सकते हो। बहुत ही सुंदर वाली प्लेस है ये और आपको काफ़ी अच्छा लगेगा यहाँ पे आके। ये बैठने के लिए झूले हैं, पार्क बनी हुई है। तो गाइस, ये 12 किलोमीटर के सर्कल में हमें बहुत सारे रेस्टोरेंट भी मिल जाएंगे। ये देखिए, चाय सुट्टा बार भी यहाँ पे अवेलेबल है, और या द थर्ड आई, ये पिज़्ज़ा टी बार, मतलब यहाँ पे भी मिल जाता है। बाकी यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट आएंगे जो यहाँ पे हम रुक के ब्रेक लगा के वीडियो वगैरह बना सकते हैं, पिक्स वगैरह ले सकते हैं। देखते हैं हम कौन कौन सी एक्टिविटी कर पाते हैं वहां पे जाके। यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर रेस्टोरेंट बने हुए हैं रास्तों में, और बहुत ही सुंदर सा सफर है। जैसे एक तो बेल्ट मिल जानी था डियावरी शॉप्स तो शायद। भैया कौन कौन सी एक्टिविटी है यहाँ पे हो रही है? इंडिया का हाईएस्ट रोप है। अच्छा, एडवेंचर एक्टिविटीज हैं, एशिया का लंगा, जिगजैग जिप लाइन है, ट्यूबिंग है, मैजिक कारपेट है, रेस्टोरेंट है। जो जिप लाइन है वो जिगजैग में है और 9:45 पर हेड है। 9:45 पर हेड है, ओके। और इसके अलावा जो रोपवे है वो 1155 पर हेड। 1155 कितने टाइम का होता है ये? सर ये आधे घंटे की राइड है, 15 मिनट नीचे आने के लिए, 15 मिनट ऊपर आने के लिए। तो जो है जिप लाइन, उसका कितनी टाइमिंग रहेगी? सर उसमें वो आप पे डिपेंड है, कोई 1 घंटा लग जाएगा उसका टोटल सारी एक्टिविटी। नहीं ना, खाली जिप लाइन। जिप लाइन में 1 घंटा लगेगा। तो गाइस, पत्नी टॉप की हम चिल्ड्रन पार्क में आए थे। यहाँ पे होती है एक्टिविटी, जिप लाइन भी है यहाँ पे, और अभी जिप लाइन को ट्राई करते हैं। कोशिश करेंगे कि वीडियो भी बनाएं वहाँ साथ में, और देखते हैं ये एक्टिविटी कैसी है। कर दिया, चलो। हैवी वेट है मेरा। कितना वेट है? होगा 95-96 3000 केजी वेट का। एज कितनी है सर? मेरी है 30। कहाँ से? पंजाब। फोन नंबर? 7 9 6 7 9 6। तो पत्नी टॉप में, जैसे कि मैंने बताया कि पत्नी टॉप में हम आए थे और जिप लाइन यहाँ पे हम ट्राई कर रहे हैं। अच्छी पिकनिक स्पॉट है, एक आउटिंग करने के लिए अच्छी पॉइंट है ये। तो आप इसको भी यहाँ पे आएंगे तो आप इंजॉय खूब कर सकते हैं। 3000 बोला आपने, 300 बोला, वेट कितना ये लिफ्ट कर लेती है? ये 3000 केजी।
3000 केजी ये वेट जो है लिफ्ट कर लेती है ये। तो मेरा वेट तो 100 से कम ही है, तो मैं ट्राई कर रहा हूँ फिलहाल, तो देखते हैं कैसी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ट्राई करते हैं, थोड़ा सा दिल चल रहा है मेरा भी क्योंकि हाइट इसकी काफी है। जो एक्टिविटी करवाते हैं इनका नाम है साहिल, साहिल एडवेंचर। आप खुद ही आप इंट्रोड्यूस करवा दोगे? जी, हमारा यहाँ पे इसका नाम है साहिल एडवेंचर स्पोर्ट्स पत्नीटॉप। यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटी हम कराते हैं, यूट्यूब पे अभी चैनल देख ले लो। अभी जस्ट हमने जिप लाइन खोल रखी है, ट्रैम्प लाइन खोल रखा है, और अभी जैसे जैसे मौसम बेहतरी आ जाएगी और एक्टिविटीज हम खोलने जा रहे हैं। हमारे पास यहाँ पे लेक भी है छोटे बच्चों के लिए, वो उसमें स्विमिंग भी कर सकते हैं और बोर्ड भी चलाते हैं। बहुत सारी एक्टिविटी है जो अभी खोलने हैं, ट्रम्प लाइन है, अभी वो जॉर्बिंग बॉल है, वो भी हम खोलने वाले हैं। बहुत सारी एक्टिविटीज है। हमारी यूट्यूब में भी चैनल है साहिल एडवेंचर स्पोर्ट्स करके, सकते हो। जो भी हम नए नए एक्टिविटीज़ खोलते रहते हैं उसमें हम डालते रहते हैं उनकी वीडियोस। तो आप रेडी हो? भी रेडी रेडी बिल्कुल। हाँ ठीक है। जैसे एक फोटो हो जाए। आपने सिर्फ यहाँ से पकड़ के रखना, ये आप यहाँ से आगे नहीं जाने देना, इसको यहीं रहने देना इसको। हाँ, इस हाथ पे आपको बिल्कुल वेट नहीं डालना, वेट आपने सारा बेल्ट के ऊपर रखना। जैसे चेयर पे बैठते हैं वैसे आपने इस पे वेट नहीं डालना, वैसे इसको बिल्कुल सीधा करके रखना है। हाँ, ये खुद ही सीधा रह जाएगा जब मैं आपको होल्ड करूँगा, इसको लगाऊंगा। इस हाथ पे आपको बिल्कुल वेट नहीं डालना। वो झंडा दिख रहा है वायर के नीचे? हाँ दिख रहा है। ओके, जैसे आपने उसको क्रॉस कर दिया, आपने इसको तीन बार क्रॉस करना है, 1 2 3। उससे जब मतलब वो झंडा आएगा रेड वाला, हाँ जी, उसको क्रॉस करके उसको जैसे ही आपने क्रॉस किया, आपने कर इसको तीन बार प्रेस करना, पुश करना है इसको, 2 3। अच्छा, उससे क्या होगा, आपका स्पीड कम होगा, स्टॉप हमारा एक्सपर्ट आगे खुद ही करता है। और गलती से अगर आपने जोर से ज्यादा जोर से दबा दिया, आप बीच में रुक रहे हो, अच्छा, हमारा एक्सपर्ट हाथ का इशारा करेगा, आपने बिना डरे ये हाथ छोड़ना, यहाँ से पकड़ लेना, ये खुद चल पड़ेगा। अच्छा, यहाँ से छोड़ दो फिर? हाँ छोड़ दो, इससे मतलब ब्रेक बचती है। हाँ, ब्रेक है मतलब ये राइट हैंड से ब्रेक है। क्या होगा, आपकी स्पीड कम होगी, तो आप वो खुद ही आगे करते हैं। ओके ओके ओके, ठीक है भैया, आ जाओ इधर नीचे आ जाओ। वो क्या कह रहे हैं? वो कुछ कह रहे हैं। ओके, मैंने ट्राई करी एक्टिविटी, वाकई में अच्छी एक्टिविटी है। और हाँ, पहले थोड़ा सा दिल धड़क रहा था, लेकिन अभी किया है ट्राई, वाकई में बहुत अच्छा लगा। अभी मेरी तो हो गई है, अभी बुलबुल ट्राई करेगी, अभी देखते हैं। ये पिछली ऐसे तो नहीं जैसे मनाली में किया था लास्ट टाइम, चिल्लाएगी तो नहीं? खैर, अगर पैसे खर्चते हैं तो ये एक्टिविटी अच्छी है, बिल्कुल बढ़िया लगी हमें ये पत्नीटॉप में। जैसी भी जितनी भी एक्टिविटी है मेरे हिसाब से तो बढ़िया है। 28 फोन नंबर वही जो इन्होंने बोला पहले, यहाँ होगा ना फोन करवा दो उसमें। कैसे आपने इसको दो बार ऐसे दबाओ, 1 2 फिर हाथ अंदर करना, तो आप हमारा एक्सपोर्ट खुद ही आ गया। ये भी दबाओगे फिर भी रुकेगा, इसको ऐसे पकड़ना है, इसको छोड़ नहीं सकते, छूट जाए मेरे हाथ से। तो छूट भी जाओ, अपने हाथ पे नहीं जाना, बेल्ट में डालना, दोनों हाथ भी छोड़ दो, फिर भी नीचे आ जाओ। चलो आया बन से।
बैठ जाओ, इस पे वेट डाल दो, दोनों पाँव आगे सीधे करो, पाँव आगे, पाँव के ऊपर पाँव रखो, क्रॉस करो, ये देखो हाथ पे लटकना नहीं है, ठीक है, ऊपर वाले पे वेट नहीं डालना, इस पे वेट नहीं डालना, सिर्फ बॉडी सीधा रखने के लिए बैलेंस। आपने अभी दबा दिया, देखो रुक गया इधर, हाथ हल्का, ऊपर वाले पे वेट नहीं डालना, उसको छोड़ दो, बिल्कुल हल्का रख दो, हाँ ये पुश करना, तब वेट डालना, तब इसको दो बार ऐसे ऐसे करो, वो उसको वहाँ पे जाके करना है बाबा, वो झंडे के क्रॉस करके, उस पे वेट नहीं डालना, हाथ हल्का कर दो, हल्का सही है। ਉੱਪਰ ਲੈ ਨਾ ਬ੍ਰੇਕ ਸੀ ਇਹਨੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਾ ਹਾਂ ਵੇਟ ਪਾਤਾ ਸੀ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਫਾਸਟ ਆਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਤੇ ਸਲੋ ਹੋ ਗਈ ਥੋੜੀ ਇਹਨੇ ਚੀਕਾ ਮਾਰੀ ਮੁੰਡੇ ਚੀਕਾ ਮਾਰ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਨੀਚੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਤਾਰ ਕੇ ਬਣਾ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਦਾ ਅੱਧਾ ਵੇਖਦਾ ਚਲੋ ਯਾਰ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਚਲੋ ਯਾਰ ਹਾਂ ਚਲੀਏ ਉਹ ਨੀਚੇ ਬੈਠਦੇ ਹੋਣ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਆੜੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਡਿੱਗ ਜਾਗਾ ये अच्छा है हमारे टाइम स्पेंड करने के लिए, हमारे पास पत्नी टॉप में टाइम जितना है हमने अच्छा खासा स्पेंड किया। ये देखिए अभी और भी लोग बहुत सारे एक्टिविटी कर रहे हैं, ये देखिए ऊपर हाँ। तो अभी जी यहाँ से एक और बात करनी थी मुझे कि यहाँ पे प्राइसिंग का बार्गेनिंग गाइस हो जाती है, यहाँ पे अगर आते हैं तो थोड़ा बहुत करना होता है, 100-200 रुपये हर चीज़ में, 100-150 रुपये में की गुंजाइश होती है कि कम हो जाती है, और हमने करी इसलिए दोनों को हमने थोड़ी बहुत ही करी और प्राइस कम हो गया। जैसे एक खुजार है जो डलहौजी के साइड आप जाते हैं तो वहाँ पे जैसा है खुजार, उससे मेरे में भी उससे बढ़िया है ये पत्नीटॉप की जो सारी एक्टिविटीज़ हैं। और रोपवे है यहाँ पे, अलग अलग कॉस्ट है, कई 1000 कर देते हैं, 800 कर देते हैं, इसका जो है 500 रुपीज़ पर पर्सन इसकी कॉस्ट है जो जिप लाइन है। बट यहाँ से अभी हम जा रहे हैं अभी श्रीनगर के लिए, तो ठीक है गाइस कंटिन्यू हमारे साथ करिए, जहाँ जहाँ भी जो जो अच्छे अच्छे पॉइंट आएंगे, खाना खाएंगे, ब्रेक लगाएंगे खाना खाएंगे, चाय पियेंगे, जैसे जैसे भी होगा हम आपको दिखाएंगे। बाकी जितने भी व्लॉग्स बनेंगे, ये हमारी पूरी सीरीज़ में बहुत सारी आपको नॉलेज मिलेगी, पूरी सीरीज़ में बहुत सारा आपको यहाँ पे हमारे साथ अभी इंजॉय कर सकते हैं, बहुत सारे एडवेंचर स्पोर्ट हम कवर करेंगे, और कोस्ट क्या रहेगी सीरीज़ की, कैसे कैसे कहाँ कहाँ जाना चाहिए, हम सब कुछ बताएंगे आपको। ओके थैंक यू।